आज मैं बताने जा रही हूँ अफगानी पनीर की रेसिपी। अफगानी पनीर की रेसिपी बताने से पहले मैं देखिए क्या ली हूँ। 250 ग्राम पनीर है और 10 से 12 पीस काजू, 2 मीडियम साइज के प्याज, 5-6 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। सबसे पहले मैं पनीर को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए देखिए मैं इस बाउल में पनीर को डाल दी हूँ। इसमें जाएगा अब 2 चम्मच दही, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच तेल। तेल आप रिफाइंड या सरसों कोई भी तेल ले सकते हैं। इन सारे देखो अब मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। पनीर को मैं मैरिनेट कर दी हूँ। अब 10 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। अब मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम ऑन करके देखिए मैं कढ़ाई रख दी थी। सारे मसाले, प्याज, काजू, मिर्च और लहसुन, इन सभी को इसमें डाल दी। लगभग 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। हल्का फ्राई करने के बाद इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। इसके लिए मसाला फ्राई की थी, उसको ठंडा कर दी। अब इस जार में मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। जार में मैं शिफ्ट कर दी। अब इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच तक दही और गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। इन सभी का पेस्ट बनाएंगे। देखिए मसाले का मैं पेस्ट बना दी हूँ। अब पनीर जो मैं मैरिनेट करके रखी थी, लगभग 10 मिनट हो गया, इसको मैं कढ़ाई में फ्राई करूँगी। डीप फ्राई नहीं करना है, बस 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए सारे पनीर को मैं कढ़ाई में डाल दी। इसको अब अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर फ्राई करके मैं निकाल दी हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। इसके लिए जाएगा 2 सूखी वाली लाल मिर्च और 5 फोरन। 5 फोरन के चटकते ही अब जाएगा ये जो पेस्ट बना के रखी थी मसाले का, ये जाएगा। पेस्ट बना हुआ सारा मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ। अब ताजा मलाई या क्रीम आप डाल सकते हैं, तो मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें क्रीम डाली हूँ। अब जाएगा इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर। 2 से 3 मिनट तक सारे मसाले को मैं फ्राई करूँगी। देखिए ये लगभग फ्राई हो चुका है। अब इसमें जाएगा पनीर फ्राई किया हुआ। पनीर को मैं इसमें डाल दी। अब 2 से 3 चम्मच लगभग पानी डालें ग्रेवी के लिए। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट होते ही मैं चेक कर रही हूँ। देखिए अफगानी पनीर बनके तैयार हो गया है। अब मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अफगानी पनीर बन के तैयार हो गया था। मैं सर्व कर दी हूँ। देखने में कितना यम्मी दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।